गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर में पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संबंध। मैसूर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। मैसूर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। अब ये देखो, ये जो दक्षिणी भारत की कंडीशन है, इसमें यहाँ तो पड़ता है मैसूर, इसकी राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये वाला बेल्ट है, ये पड़ता है मद्रास, यहाँ पर कौन है? अंग्रेज। यहाँ पर है अंग्रेज, ठीक है। और जो ये वाला बेल्ट पड़ता है, ये वाला बेल्ट पड़ता है, यहाँ पर है निजाम, हैदराबाद का निजाम। और जो ये बेल्ट पड़ गया, यहाँ पर है मराठे। ठीक है, क्योंकि इनकी सीमाएं आपस में टकरा रही है एक दूसरे से, इनकी सीमाएं आपस में टकरा रही है एक दूसरे से, इसलिए इनके बीच में हमेशा विवाद बना रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैसूर में जब तालिकोटा का युद्ध होता है और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, तो उसके अवशेषों पर मैसूर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, मैसूर साम्राज्य की उसकी जगह स्थापना होती है। और इस समय मैसूर में कौन से राजवंश का शासन था? उड़ियार। उड़ियार राजवंश का मैसूर में शासन था। और मैसूर में इस समय जो राजा था वह था चिक्का राजा। जी हाँ, चिक्का राजा कृष्णराज उड़ियार, या यूं कह दो चिक्का कृष्णराज उड़ियार, कृष्णराज उड़ियार यहाँ का इस समय राजा था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि चिक्का कृष्णराज उड़ियार है, ये बिल्कुल निर्बल शासक था, ये बिल्कुल निर्बल शासक था, कठपुतली शासक था। और कठपुतली किनका था? ये एक तो प्रधानमंत्री था उस समय नंदराज मैसूर में, और एक वित्त मंत्री था देवराय। ठीक है, अब ये नंदराज है, ये पावरफुल था, पूरी शक्तियों का प्रयोग ये नंदराज ही करता है, और चिक्का कृष्णराज उड़ियार केवल कठपुतली शासक बन के रहता है। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पर कि ये मैसूर साम्राज्य था तो पहले से धनवान साम्राज्य, मराठा निजाम अंग्रेज सब इसके ऊपर निगाहें लगाकर बैठे थे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, हैदर अली जो मैसूर साम्राज्य जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका मालिक होगा हैदर अली। ठीक है, ये हैदर अली क्या करता है, इसके पिता फतेह मोहम्मद, हैदर अली के पिता है फतेह मोहम्मद, ये बुद्धिकोट एक जगह है, इसी के अंदर मैसूर में बुद्धिकोट एक जगह है, वहाँ के फौजदार थे कौन? फतेह मोहम्मद, इसके हैदर अली के पिता। और ये बुद्धिकोट के फौजदार थे, जब कारणवश इसकी हत्या कर दी गई फतेह मोहम्मद की, उस समय ये हैदर अली बच्चा ही था, छोटा बालक ही था, अगर ये बड़ा होता तो बुद्धिकोट का फौजदार इसे बना देते, लेकिन ये बच्चा था इसलिए इसे ये मिला नहीं। क्या नहीं मिला? बुद्धिकोट। अब क्या होता है, हैदर अली धीरे धीरे बड़ा होता है, और जो ये नंदराय था इसके पास आ जाता है, और सन 1749 ईस्वी में ये मैसूर राज्य की सेना में एक साधारण सैनिक पद पर नियुक्त होता है, किंतु अपनी योग्यता के कारण ये नंदराज को खुश कर देता है, और 1755 ईस्वी में इसे नंदराज डिंडीगुल
एक जगह है मैसूर में ही, डिंडीगुल का फौजदार अपॉइंट कर देता है। किसे? 1755 में मेस्को नंदराज हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर देता है। अब देखो क्या होता है, डिंडीगुल के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो जमींदार लोग रहते थे वो थोड़े उपद्रवी प्रवृत्ति के थे। वो क्या करते थे कि कृष्ण राज को टैक्स नहीं देते थे, लेकिन हैदर अली ने क्या किया, उन सभी जमींदारों का दमन कर दिया, जमींदारों का दमन किया और उनके पास जो दौलत थी उसे उन्होंने छीन लिया। अब छीन लेता है तो उस धन दौलत के बदले में, उस धन दौलत के बदौलत ये हैदर अली क्या करता है, इसने डिंडीगुल के अंदर एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया। किसका? सेना का इसने गठन किया। और हैदर अली पहला व्यक्ति था भारतीय इतिहास में, भारतीय राजाओं की बात करें तो हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अपनी सेना का गठन यूरोपियन पद्धति पे किया। यूरोपियन पैटर्न पर इसने अपनी सेना का गठन किया। अब क्या होता है, यूरोपियन पैटर्न पे तो इसने सेना का गठन कर लिया, और फ्रांसीसी जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांसीसियों को अपनी सेना में नौकरी देना प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हैदर अली जानता था कि मुझे भविष्य में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंग्रेज़ यूरोपियन थे, इनके टक्कर कौन देंगे? ये यूरोपियन लोग, फ्रांसीसी इनकी टक्कर दे सकते हैं। इसलिए उसने फ्रांसीसी लोगों को अपनी सेना में सेनानायक और अच्छी अच्छी पोस्टों पर अपॉइंट करना शुरू कर दिया। 1761 आते आते उसने नंदराज और देवराय का पत्ता साफ कर दिया मैसूर राज्य से। अब उसकी नज़र पड़ी चिक्का कृष्णराज उड़ियार के ऊपर। उसने आकर कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम में आया डिंडीगुल से, आकर उसने चिक्का कृष्णराज उड़ियार को पद से हटा दिया और खुद को मैसूर का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, और देखो इसने जो ये डिंडीगुल के अंदर सेना का गठन किया, यूरोपियन पद्धति पे जो सेना का गठन किया था, इसने यहाँ पर तोपखाना का भी निर्माण किया था। किसने? हैदर अली ने। नए नए हथियार यहाँ पर बनाने का इसने कारखाना भी डाला था। अब क्या होता है, 1761 में हैदर अली अपने आप को मैसूर का राजा घोषित कर देता है और चिक्का कृष्णराज उड़ियार को पद से हटा देता है। ठीक है, क्योंकि अब मैसूर को हैदर अली क्या कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। ठीक है, अब जब मैसूर शक्तिशाली हो रहा है तो अंग्रेज चिंतित होंगे। अंग्रेजों ने सोचा कि अपने मद्रास, जो मद्रास पास में ही है, मद्रास के पास में हमें दक्षिणी भारत में जो मद्रास वाला एरिया, मद्रास प्रेसिडेंसी उसके जो पास वाला एरिया है वहाँ पर कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे शासक होंगे तो हमारे साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। मराठे भी इनसे, हैदर अली से नाराज़ थे, इधर निज़ाम भी हैदर अली से नाराज था। ठीक है, अब क्या होता है, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध होते हैं। पहला तो होता है 1766 से 69, दूसरा होता है 1780 से 84, तीसरा होता है 1790 से 92 और चौथा होता है 1799। ये 4 युद्ध होते हैं। ठीक है, तो पहले युद्ध के पास आ जाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक, देखो क्या होता है कि दक्षिणी भारत में अंग्रेज अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहते हैं, जबकि हैदर अली पहले से अपनी शक्ति का प्रचार करता हुआ आ रहा था, इसलिए दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि अंग्रेज खुद डायरेक्ट मैसूर से अकेले टक्कर लेना नहीं चाहते हैं, और इस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था एंडरसन। कौन था?
एंडरसन। एंडरसन इस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले निजाम को साथ लिया। निजाम को साथ क्या लिया, निजाम और मैसूर हैदर अली के बीच में कुछ तनाव उत्पन्न हो गया, तो हैदर ये निजाम था, इसने अंग्रेजों को बात की कि भाई देखो अपन दोनों मिलके इस हैदर अली को पराजित करते हैं और इससे जो क्षेत्र जीतेंगे उसको आपस में बांट लेंगे। कालांतर में मराठे भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और मराठों में कौन था इस समय, माधव राव इस समय पेशवा था, माधव राव। और निजाम था ही हैदराबाद का, ठीक है। एंडरसन, माधव राव और निजाम, दूसरी तरफ हैदर अली, ठीक है। अब इन तीनों के त्रिगुट बना लिया, किसके अगेंस्ट में, हैदर अली के अगेंस्ट में। अरे इन्होंने क्या तय किया कि माधव राव यानी मराठे सबसे पहले हैदर अली के ऊपर आक्रमण करेंगे। और समझौते के अनुसार 1766 ईस्वी में इस माधव राव ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसका हैदर अली ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। लेकिन अब हैदर अली समझ गया था कि मैं तीनों को साथ में पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या किया, कूटनीति का सहारा लेते हुए इस माधव राव को 35 लाख रुपए का लालच दिया और युद्ध से अलग कर दिया। माधव राव यानी मराठों को 35 लाख रुपए का लालच दिया और युद्ध से अलग कर दिया। अब बारी आई निजाम की, उसने निजाम को भी कहा भाई देख हम तो एक जगह उठने बैठने वाले आदमी हैं, तू भी धर्म से मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, क्यों इन हिंदुओं मराठों को और क्यों इन ईसाइयों अंग्रेजों को फ़ायदा उठाने का मौका दे रहा है, जो भी अपने बीच में होगा हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, सुलझा लेंगे, कोई अगर तेरे को तकलीफ है तो हम बात करेंगे ना बैठ के, क्यों इनका साथ दे रहा है। और ऐसा करके इसने निजाम को भी युद्ध से अलग थलग कर दिया। अब बचे तो कौन बचे, अंग्रेज अकेले, जो कि खुद पहले से लड़ना नहीं चाहते थे। अब देखो क्या होता है, इस हैदर अली ने सबसे पहले, इसने क्या नाम था, हैदर अली ने इस एंडरसन को ढंग से पराजित किया। हैदर अली ने एंडरसन को सही तरीके से पराजित किया। और सबसे पहले इसने हैदर अली ने हैदर अली ने जो ये मंगलोर जगह पड़ती है, यहाँ पे मंगलोर का किला अंग्रेजों से हैदर अली ने छीन लिया। मंगलोर का किला हैदर अली ने अंग्रेजों से छीन लिया और अब आके ये मद्रास के ऊपर घेरा डाल के बैठ गया। कौन, हैदर अली। अब अंग्रेजों की पराजय हो गई, अब हैदर अली मद्रास के ऊपर घेरा डालकर बैठ जाता है। तब क्या होता है कि ये एंडरसन खुद रिक्वेस्ट करता है कि सॉरी सर गलती हो गई, अब हमें माफ़ करो और कम से कम ये घेरा तो आप उठाओ, आप जीते हम हारे। हैदर अली ने कहा नहीं, तू ज़्यादा नाटक करता है भाई एंडरसन, तू गुट बनाता है मेरे अगेंस्ट, मेरे खुद के देश के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है, तेरे को सबक सिखाना है। लेकिन एंडरसन ने ज़्यादा जब विनती की तो हैदर अली खुद भी युद्ध को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच 1769 में संधि हो गई और ये युद्ध समाप्त हो गया। संधि हुई मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है। अब देखो इसमें पहली शर्त तो जोड़ दी गई कि अंग्रेज और निजाम दोनों के जो एक दूसरे, अंग्रेज और हैदर अली जो भी एक दूसरे के प्रदेश जीते हैं उन प्रदेशों को वापस लौटा देंगे, जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त रखी कि भविष्य में यदि अंग्रेज वह है इस मैसूर के ऊपर, अंग्रेज व मैसूर दोनों के ऊपर या दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो दोनों मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, ये शर्त रख दी, ठीक है। तीसरी शर्त रखी कि जो करूर का किला था, करूर जिला पड़ता है,
जो कर्नाटक से मैसूर को मिला था वह मैसूर के पास ही बना रहेगा। करूर का जो जिला था वह जो कर्नाटक से मैसूर को मिला था किसके पास बना रहेगा, मैसूर के पास ही बना रहेगा। ठीक है, देखो ये पहला युद्ध एक प्रकार से अनिर्णायक ही समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ हद तक इसके अंदर मैसूर की जीत हुई और जो मद्रास की संधि थी इसकी सारे शर्तें कौन बनाता है, हैदर अली इसकी सारी शर्तें बनाता है, तैयार वही करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या कारण था कि हैदर अली ने बिल्कुल इतनी ईजी शर्तें अंग्रेज़ों के सामने रखी, इसके पीछे कारण था क्या, कारण था हैदर अली जानता था कि ये मराठे और ये निजाम तो किसी के नहीं हैं, ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो अंग्रेज़ों के साथ थे, मैंने 35 लाख रुपए दिया इसको, कोई लालच दिया निज़ाम को, ये युद्ध से अलग हो गए, मतलब इनके ऊपर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा करना है हमें अगर इन तीनों में से तो अंग्रेज़ों के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं, हो सकता है हमें कल को इनसे युद्ध करना पड़े, इसलिए हमें अंग्रेज़ों का साथ चाहिए। इस कारण से भविष्य में अंग्रेज़ों से संबंध सही बनाने के लिए इस हैदर अली ने जो ये मद्रास की संधि थी इसकी शर्तों को क्या कर दिया, इसने आसान रख दिया। ठीक है, अब आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस समय मद्रास का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर है मेकाटर ने ठीक है, और पेशवा है इस समय माधव नारायण राव, और निजाम है ही, हैदर अली अपने है ही। ठीक है, और हाँ एक गवर्नर जनरल और देख लो इसमें, वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है, जो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आता है कंपनी का, वो वॉरेन हेस्टिंग है, जबकि मद्रास का गवर्नर जनरल है इस टाइम पे मेकाटर ने। ठीक है, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ अपॉइंट था इस समय, बंगाल में, कहाँ अपॉइंट था ये बंगाल में था। ठीक, अब क्या होता है दूसरे आंग्ल मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे, क्योंकि दोनों के बीच में खींचातान तो पहले से ही चली आ रही थी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसी आंग्ल दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के शुरू होने के कुछ कारण थे, वो कारण इस प्रकार थे। पहला कारण कि जो शर्त हुई थी मद्रास की संधि जिसमें ये कहा गया था कि भविष्य के अंदर अगर किसी के ऊपर भी कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है, दोनों के ऊपर मैसूर व अंग्रेजों के ऊपर, तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन 1771 ईस्वी में इस मराठों ने मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था और इसने रिक्वेस्ट की अंग्रेजों के साथ कि वो दोस्त मित्र आ जा आप तो मदद करने के लिए, लेकिन ये नहीं आए, इसलिए ये मैसूर यानी हैदर अली अंग्रेज़ों को सबक सिखाना चाहता था कि आपने मद्रास की संधि का क्या किया, उल्लंघन किया। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण था कि जो निज़ाम से अंग्रेज़ों ने जो उत्तरी सरकार के 4 जिले लिए थे, उत्तरी सरकार जो पूर्वी तट पे हैं उसके ये 4 जिले अंग्रेज़ों ने लिए थे और कहा था कि हम इन जिलों के बदले में 7 लाख रुपए आपको वार्षिक कर देंगे, लेकिन वो 7 लाख रुपए निज़ाम को अंग्रेज़ नहीं दे रहे थे, इसलिए निज़ाम भी अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहता था, दो चीज़। तीसरा कारण था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में वैसे खींचातान बनी हुई थी, इसलिए मराठे भी अंग्रेज़ों को एक बार फिर से सबक सिखाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों से इनकी लड़ाई, अंग्रेज़ों से इसकी लड़ाई, तो अब गुट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब गुटे बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये मराठे निज़ाम और हैदर अली तीनों संधि करते हैं कि हमें अंग्रेज़ों को सबक सिखाना है,
ठीक है। इसलिए ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। और एक कारण और पड़ता है इसमें, कारण ये पड़ता है कि ये जो केरल वाला बेल्ट है इसमें एक जगह है माहे, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है यमन और यहाँ पे पड़ता है करेकाल। इन तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर के क्या कहते हैं, पांडिचेरी। क्या कहते हैं इन तीनों को, पांडिचेरी। और मैंने आपको कहा था कि पांडिचेरी में किन की फैक्ट्री थी, फ्रांसियों की। पहले बता दिया था मैंने यूरोपियन कंपनियों के आगमन के दौरान कि पांडिचेरी में किन की कंपनी या फैक्ट्री थी, फ्रांसियों की फैक्ट्री थी। और ये जो माए हैं केरल वाले बेल्ट में, ये मैसूर के पास में स्थित है और मैसूर राज्य इस माहे को अपने नियंत्रण में समझता था, किसमें, अपने नियंत्रण में इसको समझता था, ठीक है। तो गलती अंग्रेजों ने कर दी, अंग्रेजों ने गलती से फ्रांसियों को सबक सिखाने के लिए माहे के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने माहे के ऊपर आक्रमण किया, हैदर अली ने समझा कि ये तो सीधा मेरे से युद्ध करने की चुनौती है, इसलिए हैदर अली उस चुनौती को एक्सेप्ट करता है। और परिणाम स्वरूप इस दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में चार प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है। पहली लड़ाई होती है आर्निका युद्ध 1780। देखो आर्निका युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मैसूर की सेना का नेतृत्व करता है और अंग्रेज सेना का नेतृत्व करता है बेली। तो बेली को टीपू सुल्तान ने ऐसे बेला ढंग से टीपू सुल्तान ने बेली को पराजित किया, पूरी ब्रिटिश सेना को पराजित किया। और जो बंदी पकड़ में आए टीपू सुल्तान के, उन सबको बेली सहित मार दिया। उन सब का इस टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, ठीक है। अब अंग्रेज इससे दुखी हो गए कि अपना एक सेनानायक मारा गया और अंग्रेजों की पराजय हो गई, ठीक है। अब फॉर्म में आ जाता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। इस पराजय का बदला लेने के लिए हैदर अली के अगेंस्ट में बंगाल से सेना भेजता है यहाँ पर। और किसके नेतृत्व में भेजता है, सर आयरकुट के नेतृत्व में, आयरकुट के नेतृत्व में सेना भेजता है, जिसके नाम में आयरकुट मतलब आकर कूटने वाला, आयरकुट लिखा है तो वो तो कूटेगा। वो आया, कौन, आयरकुट आया। और उसने पोर्टोनोवा, दूसरा युद्ध हुआ पोर्टोनोवा का युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। किसके युद्ध में, पोर्टोनोवा की लड़ाई में उसने हैदर अली को पराजित कर दिया। इसके बाद आयरकुट ने पोलिलूर और सोलिंगपुर इन दो लड़ाइयों में भी हैदर अली को उसने क्या किया, पराजित कर दिया, ठीक है। अब हैदर अली 3 में पराजित हो गया, 1 में टीपू सुल्तान जीत गया। लेकिन इसके बाद हैदर अली की जीत की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इन सब 3 लड़ाइयों में हारने के बाद एक बार फिर से 1782 आते आते हैदर अली की जीत की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हैदर अली को एक बीमारी हो गई थी इस दौरान, कैंसर। और कैंसर बीमारी हो गई और साथ में लड़ाइयाँ भी उसने लड़ी तो कई घाव भी लग गए थे, इसलिए वो बीमारी ज़्यादा असर करने लगी। और 7 दिसंबर 1782 आते आते हैदर अली मर जाता है। जब हैदर अली मर गया तो उसके बाद युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, टीपू युद्ध का नेतृत्व करेगा, ठीक है। अब टीपू और अंग्रेजों का लीडर मैथ्यूज, इनके बीच में लड़ाइयाँ
शुरू हो जाती है। लेकिन ये मैथ्यूज है, ये भी लड़ाई को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है और टीपू भी लड़ाई को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है। हालांकि इसने मैथ्यूज को उसने कैद भी कर लिया था, किसने? टीपू ने। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में 1784 में मंगलोर की संधि हो जाती है। कौन सी संधि? ये मंगलोर वाली संधि हो जाती है, मंगलोर की संधि इनके बीच में हो जाती है 1784 में। ठीक है, इसकी दो शर्तें रखी गई मंगलोर की संधि की, कि आपस में जो भी जीते गए प्रदेश थे वो एक तो एक दूसरे को लौटा दिए जाएंगे, जीते हुए प्रदेश एक दूसरे के जो थे आपस में उसको लौटा दिए जाएंगे। और दूसरी शर्त रखती इन्होंने कि जो बंदी एक दूसरे की कैद बना रखे हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। ठीक है, इस समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और पेशवा कौन है? वो माधव नारायण राव, निजाम, और सामने है टीपू, एक है टीपू। टीपू सुल्तान। अब देखो क्या होता है टीपू के अंदर, ये अंग्रेज हैं जो टीपू से ज़्यादा ही ईर्ष्या रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रांस का समर्थक था। किसका समर्थक था? फ्रांस का समर्थक था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कारण से पहले मैं गुट बता देता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये खुद टीपू सुल्तान के अगेंस्ट अकेला अटैक करना नहीं चाहता है, तो ये मराठों को और निजाम को अपने साथ में ले लेता है और कहता है कि हमें भविष्य में इस मैसूर के टीपू सुल्तान पे आक्रमण करना है और इसे नष्ट करना है, जो भी परिणाम होगा तीनों उसको मिलकर बांट लेंगे। परिणाम क्या? पॉजिटिव सोचा इन्होंने कि जो भी फायदा होगा उसको मिल करके बांट लेंगे। और तीनों चाहते भी यही थे, क्योंकि इनकी बॉर्डर आपस में टकरा रही थी, इसलिए जिनकी सीमाएं लगती है उनके बीच में विवाद हमेशा होता ही है। चाहे से बड़ा साम्राज्य उठा के देख लो या छोटे से छोटे आप किसी प्लॉट को देख लो या कोई खेत देख लो, सीम की लड़ाई तो सबके बीच में रहती है, ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो तीनों गुट बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये टीपू सुल्तान ये पहला सुल्तान था या पहला राजा था इंडिया का जो अंग्रेजों के अगेंस्ट विदेशी सहायता लेने का प्रयत्न करता है। और विदेशी सहायता किसकी? टर्की, मिस्र, फ्रांस, इनकी ये सहायता लेना चाहता है, ये अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें, क्योंकि इसने इसके पिता ने हैदर अली ने अपनी सेना का गठन किस पैटर्न पे किया था? यूरोपियन पैटर्न पे, और फ्रांसीसी सेना नायकों को अपनी सेना में इसने अपॉइंट किया था, इसलिए ये भी वो उसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यू रहता है। और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसका टीपू सुल्तान समर्थक था, और इस क्रांति में सबसे अच्छा रोल किया था जेकोबिन दल ने, जेकोबिन दल ने। तो टीपू सुल्तान खुद जेकोबिन क्लब का सदस्य था। देखो क्या होता, पेरिस में एक चर्च था जैक, चर्च का नाम था जैक, और जो उस चर्च के अंदर जो मीटिंगें होती थी और जो मीटिंगों से जो एक समूह बन गया वो समूह क्या कहलाया? जेकोबिन। चर्च का नाम था जैक, और उस जैक चर्च में राजनीतिक समस्याओं को लेकर के जो विचार विमर्श होता था, जो लोग रेगुलर वहाँ पर मीटिंग करने के लिए आते थे उनके समूह को क्या कहने लगे? जैकोबिन। तो ये खुद उसका सदस्य था। ठीक है, और इसने टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने लगाया था, एक पेड़ चोबा था उसने लगाया था इसकी याद में कि हम भी जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे। किसकी? अत्याचारों से, अंग्रेजों के
अत्याचारों से हम भी जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ कारण थे जिससे अंग्रेज टीपू सुल्तान से ईर्ष्या रखते थे। ठीक है, थैंक यू।